ये देखो नोजल इसके हाथ में जी, तेल की एक बूंद भी नहीं गिर रही। अभी देखना पैसे बढ़ जाएंगे इसमें। ये देखो 5.80 हो गया। ये देखो ओहो। दोस्तों भारत में 60,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। जितनी रफ्तार में देश में पेट्रोल पंप बढ़ रही है उससे दुगनी रफ्तार में पेट्रोल डीजल की चोरियां भी बढ़ रही हैं। हम ये नहीं कहते सब पेट्रोल पंप वाले चोर हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसी बदमाशियां करने के लिए बदनाम हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में हर साल करीब 70 करोड़ लीटर पेट्रोल की चोरी होती है। इनमें से 95% चोरियों के बारे में कस्टमर को पता ही नहीं चल पाता। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ऐसे पेट्रोल पंप वालों की चालाकियों से अवेयर हो सकें और पेट्रोल भरवाते समय ठगी का शिकार होने से बच सकें। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आमतौर पर 15 से 20 लीटर तक के पेट्रोल की चोरी का तो पता ही नहीं चल पाता। ये चोरी न तो गाड़ी के एवरेज से पकड़ में आती है और न ही फ्यूल मीटर से। आजकल पेट्रोल चोरी के तरीके इतने हाईटेक हो चुके हैं कि इन्हें पकड़ पाना हर किसी के बस की बात ही नहीं होती। बस इसी बात का फायदा उठाकर पेट्रोल पंप वाले ऐसी चोरियों को अंजाम देते हैं। ऐसे ही पेट्रोल घटलौती का एक मामला भोपाल में देखने को मिला, जहां एक कस्टमर को पेट्रोल कम भरने का डाउट हुआ तो वह प्लास्टिक की जार में 2 लीटर पेट्रोल भरने की मांग करने लगा। इसके बाद जब पंप वाले ने मशीन में 2 लीटर फीड करके पेट्रोल भरना शुरू किया तो उसकी चोरी पकड़ी गई। मशीन 2 लीटर पेट्रोल दिखा रही थी जबकि जार में 1800 ml पेट्रोल ही आया। 2 लीटर में 200 ml पेट्रोल कम था। पेट्रोल चोरी की यह घटना जिसने भी देखी वो हक्का बक्का रह गया। ये मामला महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का है, जहां ये लोग इस कर्मचारी से जार में पेट्रोल भरवा रहे हैं। कर्मचारी ने जैसे ही पेट्रोल भरा तो वहां खड़े लोग दंग रह गए, क्योंकि पंप से पेट्रोल की जगह पानी निकल रहा था। पेट्रोल पंप वाले की इस बदमाशी को वहां खड़े लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया। दरअसल हुआ यूं कि इस पेट्रोल पंप पर एक कस्टमर पेट्रोल भरवा कर गया तो थोड़ी दूर पर ही उसकी गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद जब उसने गाड़ी मैकेनिक को दिखाई तो पता चला कि पेट्रोल टैंक में तो पानी भरा है। इसके बाद उसने पंप वालों की चालाकी का भंडाफोड़ करने की ठानी। दोस्तों आपने गौर किया होगा, अक्सर पंप वाले पेट्रोल भरने के दौरान आपका ध्यान भटकाने की कोशिश भी करते हैं। वो या तो आपको बातों में उलझा लेते हैं या फिर कहीं और दूसरी चीजों की तरफ आपका ध्यान मोड़ देते हैं। कई बार तो पेट्रोल भरने से पहले मशीन की जीरो रीडिंग दिखाते हैं, फिर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट की बातों में उलझा देते हैं और पेट्रोल भरना रोककर दूसरी रीडिंग से शुरू कर देते हैं। बस इसी दौरान आपको पेट्रोल चोरी का चूना लग जाता है, जबकि मीटर पर आपको सब कुछ सही दिखाई देता है। ये सब इतना सफाई से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। वैसे दोस्तों इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 5000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अब भी ठोक दीजिए अपना लाइक। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास इस पेट्रोल पंप वाले की बदमाशी तो देखिए। पेट्रोल भरने वाला पेट्रोल भर नहीं रहा है लेकिन मशीन में रीडिंग चलती ही जा रही है। बस नोजल को स्टैंड से उतारते ही रीडिंग शुरू हो गई। इस गाड़ी वाले की सजगता के चलते पेट्रोल पंप की चोरी पकड़ी गई। आप भी देखिए इसकी करतूत। बड़ा एक बारी दोबारा बढ़ जाए, एक बारी दोबारा बढ़ जाए। ये देख बड़ा, देख बड़ा, और बढ़ने दे, और बढ़ने दे। ये देख लो जी, ये आदमी, ये मशीन और ये कालका जी, कौन सा पेट्रोल पंप है ये? गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने वाला। हाथ में नोजल है, तेल के पैसे बढ़ रहे हैं, चोर बाजारी चल रही है चौड़े में। ऐसे ना बन रहे पेट्रोल पंप वाले करोड़पति। भाई नाम बोलिए अपना जरा। क्या है? सतेंद्र। पूरा नाम? पूरा नाम मिस्टर सतेंद्र कुमार। ये देखो 3.87 रुपए सामने हो गए अभी।
ये कर रहे हैं फुल चोर बाजारी, अभी और बढ़ेगा। ये देखो 483, ये देखो भाई जी, ये देखो कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये देखो नोजल इसके हाथ में जी, तेल की एक बूंद भी नहीं गिर रही, अभी देखना पैसे बढ़ जाएंगे इसमें। ये देखो 580 हो गया, वाह। ये देखो, ये देखो, ओह। तो देखा आपने, अब जब इतने शातिर चोर हों तो चोरी करने से भला कोई कैसे रोक पाए। इसी तरह यहां तो इन पेट्रोल चोरों ने हद ही कर दी। जब एक कस्टमर ने पंप वालों की चोरी पकड़ ली तो वो पंप के ही जार में आधा लीटर पेट्रोल भरने के लिए जिद करने लगा। पहले तो कर्मचारियों ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उसे मानना पड़ा। इसके बाद जब उसने आधा लीटर पेट्रोल भरा तो उसमें कुछ ML कम पेट्रोल निकला। हद कर दी तुमने तो, सरे आम, और वो भी भरी दोपहरी में चोरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम डालो यार, डालो आधा लीटर, डालो बताई, डालो आधा लीटर, आधा लीटर डालो ही में। हाँ चुप है ना, आधा लीटर डालो, चलो आधा लीटर डालो। अब क्या दिक्कत हो रही है डालने में यार, इमें डालो, इमें डालो, जार ही बड़ा है, ये जार बड़ा है, नहीं ये जार बड़ा है, ये मानक में नहीं है, आप टेंशन नहीं आप तो बताओ, ये आपकी जानकारी में नहीं है, ये आपकी जानकारी में नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है, इमें आधा लीटर डालो, जीरो करो, आधा लीटर सेट करो, यूपी में चिप लगाकर पेट्रोल चोरी करने की घटना भी खूब वायरल हुई थी। बताया गया कि ये चिप पेट्रोल पंप की मशीन में लगाई जाती है, जिसे संभावित तौर पर रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। अब पेट्रोल भरवाने पर मशीन में की गई सेटिंग के मुताबिक पेट्रोल मिलता है। जैसे अगर किसी ने 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया तो मशीन के मुताबिक उसे करीब 470 से 480 रुपए का ही पेट्रोल मिलेगा। इन लोगों पर थोड़ा थोड़ा करके लाखों की चोरी करने के आरोप भी लगे। मजे की बात, कोई चोरी पकड़ने आता तो ये लोग तुरंत रिमोट की मदद से चिप को निष्क्रिय कर देते हैं और मशीन पहले जैसे काम करने लगती है। लेकिन आखिरकार इनकी चोरी पकड़ी ही गई। इसी से पूरा चोरी होता है? हाँ, इसी से। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में इन्होंने लगाया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मुख्य सर्किट जो है ये है, ये तारों के साथ इस सर्किट को बाईपास सर्किट कर दिया गया है। तो अगर आप कुछ भी इसमें क्वांटिटी तय करेंगे 500 रुपए, 1000 रुपए या 5 लीटर, तो वो आपको उससे काफी कुछ कम आपको क्वांटिटी कम आएगी। लखनऊ की रिपोर्ट से पता चला था कि 1 लीटर पे 50 ML भी हो सकता है, 40 ML भी हो सकता है। चिप का मुख्यतः काम ये रहता है कि वो जो मुख्य सर्किट होता है उसको बाईपास कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि पेट्रोल भरवाते वक्त आपके साथ कोई ठगी ना हो तो आप इन टिप्स को ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि हमेशा डिजिटल मीटर वाले पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भरवाएं। पेट्रोल भरवाते समय चेक करें कि मीटर रीडिंग 0 से शुरू हो। ध्यान रहे, कभी भी पेट्रोल राउंड फिगर में न भरवाएं, जैसे 500, 1000 या 1500 रुपए का। इसकी बजाय 520, 1020 या 1520 रुपए का पेट्रोल भरवाएं, ताकि आप ऑटोमेटिक चोरी का शिकार होने से बचें। पेट्रोल भरवाते समय अगर मशीन का मीटर बार बार रुक रहा है तो फौरन मशीन ऑपरेटर से शिकायत करें, क्योंकि बार बार मीटर के रुकने से पेट्रोल का नुकसान होता है, जो असल में आपका ही नुकसान है। आज के वीडियो में इतना ही। क्या आपके साथ भी कभी पेट्रोल की चोरी हुई है? अगर हाँ तो हमें शेयर करें, ताकि और भी लोग उससे बच सकें। इस ठगी के बारे में दूसरों को अवेयर करके भी हम ठगी पर लगाम या रोक लगा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।